गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10 जमा 2 के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले है अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद जो राजा की डोर है वो बहुत ही अयोग्य जो शासक थे उनके हाथ में आ गई। इसलिए जो इतने बड़े मुगल साम्राज्य जो फैला हुआ था उसका पतन हो गया। अशोक एक कुशल नेतृत्व था। कुछ अशोक ने जब युद्ध के पश्चात कलिंग युद्ध के पश्चात युद्धों को छोड़ दिया तो जो उसके सैनिक है युद्ध प्रणाली से काफी दूर हो गए थे, युद्धों को एक तरह से भूल ही गए थे। आगे चल करके उसके जो अयोग्य उत्तराधिकारी हुए वो युद्धों में कुशल नहीं थे तो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं सके और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नंबर 2 है विस्तृत साम्राज्य। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया था। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी इस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। कहने का भाव यह है कि जो मौर्य साम्राज्य काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल गया था, अयोग्य जो शासक थे उसके सीमाओं की रक्षा नहीं कर सके। फिर नंबर 3 उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव। मौर्य वंश में उत्तराधिकारी का कोई विशेष नियम नहीं था, अतः एक शासन के मरते ही राजकुमारों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता था। एक लिखित प्रमाण में ऐसा पढ़ने में मिलता है कि अशोक ने भी अपने 99 भाइयों का वध कर करके गद्दी को प्राप्त किया था। इन युद्धों से गृह युद्ध की स्थिति हो जाती थी और जो राज्य है वो अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से नहीं चल पाते थे। एक जो राजा गद्दी प्राप्त कर लेता था तो उसका छोटा भाई या दूसरा भाई उसको गिराने के षड्यंत्र में लगा रहता था, किस तरह से इसको गिरा करके मैं राजगद्दी को हथियाऊं। तो इसलिए उत्तराधिकारी का जो नियम न होना यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। फिर है नंबर 4 आंतरिक विद्रोह। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह आरंभ हो गया। मैं पहले भी आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अशोक एक महान इतिहास के महान शासकों में उसकी गिनती होती है। उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य थे। अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण जो आंतरिक विद्रोह जो कुछ सेना के अधिकारी होते थे या अन्य कोई ताकतवर व्यक्ति होता था वो अपने थोड़े बहुत लोगों को लेकर के आंतरिक विद्रोह कर देता था, उस राजा के अपने आप को चैलेंज कर देता था। अनेक प्रांतीयकरणों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। नंबर 5 है जो भी एक मेन कारण जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है उनमें मुख्य कारण माना जाता है वो है धन का अभाव। राज्य चलाने के लिए धन का बड़ा महत्व होता है। कोई भी राज्य चलाने के लिए सबसे क्योंकि सैनिकों को वेतन देना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, हथियार खरीदने हैं, किसी भी चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और जनहित कार्यों में बड़ी उदारता से धन खर्च किया, फलस्वरूप राजकीय जो कोष है वो खाली हो गया। राजा का जो पैसा था वो सारा का सारा उसने जनहित कार्य में और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। धन के अभाव में न तो प्रशासन ठीक ढंग से चल सका और न ही विद्रोहियों को दबाया जा सका। धन न होने के कारण जो उत्तराधिकारी है वो जो विद्रोह उनके हुए उनको भी न दबा सके और अन्य जो कार्य है चाहे वो सेना के लिए हथियार खरीदने का है चाहे वो अन्य कार्य है प्रशासनीय जो अधिकारी उनको तनख्वाह देने का है वो भी ढंग से न करने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नंबर 6 है कर्मचारियों के अत्याचार। मौर्य साम्राज्य के दूर स्थित प्रांतों के शासन प्रबंध अच्छा नहीं था। वहां सरकारी कर्मचारी लोगों पर बड़े अत्याचार करते थे। धीरे धीरे ये अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि लोग उनके विरुद्ध विद्रोह पर उतर आए। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मचारी अपनी मनमानी करने लग गए थे और वो इतना दमन करने लगे थे कि आम आदमी उनके खिलाफ बगावत के लिए खड़ा हो गया। नंबर 7 सैनिक शक्ति।
ये भी मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। क्यों कलिंग युद्ध के पश्चात, आपको पहले भी बताया है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्धों को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अशोक ने युद्ध न करने का निश्चय किया, इससे उसके सैनिक शक्ति बढ़ाने का और ध्यान भी देना छोड़ दिया। जब युद्ध ही नहीं हो करने हैं तो राजा ने भी सैनिकों का ध्यान देना छोड़ दिया, इसलिए मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति कम हो गई। फिर ब्राह्मणों की शत्रुता, अशोक ने हिंदू धर्म को काफी पतन हुआ, अशोक के जो समय अशोक का जो शासन काल है उसमें हिंदू धर्म का काफी पतन हुआ, ब्राह्मण इस बात को सहन नहीं कर सके और वे मौर्य जो साम्राज्य है या उसके वंश के विरुद्ध हो गए। उसका कारण एक ये भी है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वो सारा धन दौलत राज्य का बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लगा दिया था, तो इसलिए जो उस समय ताकतवर थे ब्राह्मण वो मौर्य वंश के विरुद्ध हो गए। अंतिम शासक को एक ब्राह्मण सेनापति ने उसका वध कर दिया, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सेनापति अंतिम शासक था उसका एक ब्राह्मण सेनापति ने वध कर करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। थैंक यू।